तो आज की ये जो वीडियो रहने वाली है वो हुंडई फैंस के लिए रहने वाली है। अगर आप लोग भी फैंस हो हुंडई मोटर्स के तो ये वीडियो बिल्कुल ज़बरदस्त रहने वाली है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं कोई अपकमिंग हुंडई कार्स जो 2023 में या फिर 2024 के अंदर मार्केट के अंदर आने वाली है तो बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आए हो। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि नई नई गाड़ियाँ आने वाली है मार्केट के अंदर हुंडई मोटर्स की तरफ से। और कौन कौन सी वो गाड़ियाँ हैं वो आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना मज़ा आएगा आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर। तो बिना देरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गाड़ी आने वाली है वो है हुंडई की वर्ना, और वर्ना की आने वाली है एन लाइन। अब आप लोग एन लाइन से समझ सकते हैं, इनकी जो एन लाइन वाली जो गाड़ी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी होती है। उससे पहले आप लोग को वर्ना के बारे में थोड़ी सी स्पेक्स में बता देता हूँ। अभी हाल ही में जो है ना ग्लोबल एनकैप में वर्ना का क्रैश टेस्ट हुआ था जिसमें इस गाड़ी ने 5 स्टार जो है ना अचीव की है। बहुत बड़ी बात है इस गाड़ी के लिए क्योंकि फर्स्ट इन सेगमेंट हो गई है जो गाड़ी 5 स्टार लेके आई है, वो भी सिडान में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है हुंडई मोटर्स को। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चेंजेस आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग को जो है ना इसमें न्यू फ्रंट ग्रिल आप लोग को मिल जाएगा, चेंज हुआ हुआ मिल जाएगा वो भी। और जो बम्पर होंगे सामने के और पीछे के दोनों के दोनों आप लोग को चेंज मिलेंगे। सबसे खास बात इसको एन लाइन की जो आप लोग को मिलती है जिसको बोलते हैं रेड इंसर्ट्स आप लोग को मिल जाएंगे इसके अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लगेगा देखने में भी। और साथ ही में इसमें आप लोग को एन लाइन की बैजिंग भी मिल जाएगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये गाड़ी आप लोग की नॉर्मल वरना नहीं है, ये वरना की एन लाइन है। इंटीरियर भी इसमें जो है ना कॉस्मेटिक चेंज किए जाएंगे, जैसे कि गियर लीवर इसका चेंज हो जाएगा, डैशबोर्ड का जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन है वो चेंज हो जाएगा। इसमें आप लोगों को डैश कैमरा भी अब इसमें दिया जाएगा जो एन लाइन आप लोगों की आएगी। और इंजन के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, तो इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 157 हॉर्स पावर जो है जनरेट करता है और 253 Nm का टॉर्क आप लोग को जनरेट करके देगा। ये आप लोग को जो पेयर होगा वो रहेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आप लोग को पेयर मिलेगा। गाड़ी कब तक आने वाली है तो ये आप लोग को जो है ना लास्ट दिसंबर 2023 में उपलब्ध हो जाएगी मार्केट के अंदर। अब सेकंड जो गाड़ी आने वाली है इन लोगों की वो आने वाली है सबसे ज़्यादा चहेती गाड़ी जिसको बोलते हैं और जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं वो नन अदर देन हुंडई की क्रेटा फेसलिफ्ट। इस गाड़ी को भी जो है ना भाई बहुत बार स्पाई किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना सामने निकल के आ रही है इसकी। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हो जाएगी। ये गाड़ी आप लोग को पता है प्रीमियम एसयूवी में शुमार है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। इसमें जो बिग चेंज होगा वो होने वाला है इसका फ्रंट ग्रिल, इसमें ये भी आप लोग को चेंज मिलेगा। कनेक्टेड DRLs आप लोग को इसके अंदर मिल जाएंगे, एच शेप के टेल लैंप्स मिल जाएंगे जो हाल ही में इन लोगों ने एक्स्टर के अंदर दिए हैं, वैसे ही कुछ आप लोग को जो है ना इसमें मिल जाएगा। अगर क्रेटा को इस तरीके का डिज़ाइन देना है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खास ये गाड़ी दिखेगी लुक्स के मामले में। और न्यू अलॉय व्हील्स आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे इसके अंदर, और न्यू फ्रंट बम्पर्स आप लोग को मिल जाएंगे और बैक बम्पर्स भी आप लोग को चेंज मिल जाएगा इसके अंदर। ट्विक डैशबोर्ड आप लोग को मिलेगा जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है, और फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आप लोग को इसके अंदर दे दिया जाएगा। साथ ही में इसके अंदर आप लोग को न्यू सीट्स का कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, मतलब न्यू अपहोल्स्ट्री मिल जाएंगे इसके अंदर आप लोग को। 360 डिग्री कैमरा जैसा भी आप लोग को फीचर मिल जाता है इसमें, और एम्बियंट लाइट मिल जाएगी विद मल्टी कलर्स के साथ जो कि देखने में बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा, अंदर का माहौल एकदम गर्मा गर्म हो जाएगा। साथ ही में इसके अंदर आप लोग को हेडसअप डिस्प्ले मिल जाएगा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को इसके अंदर दे दिया जाएगा भाई। और इंजन के बारे में बात कर लेते हैं तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा और 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, साथ ही में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आप लोग को इसके अंदर प्राप्त हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि गाड़ी कब तक आएगी, तो ये आप लोगों की जो है ना मार्च 2024 में देखने को मिल जाएगी। थोड़ा लेट है पर क्या कर सकते हैं, अब गाड़ी तो आने मतलब मेरे हिसाब से तो गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी आती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है इस गाड़ी के लिए। थर्ड नंबर पे जो गाड़ी आ रही है इन लोगों की वो आ रही है अल्काज़ार का फेसलिफ्ट। ये भी जो है ना बिल्कुल क्रेटा टाइप की ही एक गाड़ी देखने में लगती है, ये 7 सीटर में आती है, वो 5 सीटर प्रीमियम एसयूवी है। इसको भी जो है ना स्पॉटेड किया गया है बहुत बार टेस्टिंग के दौरान, और इसमें जो है ना मेजर अपडेट्स आप लोग को मिल जाएंगे जैसे कि न्यू टेल लैंप्स आप लोग को मिल जाएगा, न्यू बम्पर्स मिल जाएगा, एज वेल एज जो क्रेटा आप लोग की मैंने अभी पीछे बताई थी सेम वैसा ही आप लोग को इसमें देखने को मिल सकता है सब कुछ सिस्टम जो है। और इसमें आप लोग को न्यू डैशबोर्ड आप लोग को लेआउट जो होगा डैशबोर्ड का वो भी बिल्कुल अलग मिल जाएगा, और फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, न्यू अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी इसके अंदर आप लोग को, हेडसअप डिस्प्ले मेमोरी फंक्शन के साथ।
एडास का फीचर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा सेफ्टी को देखते हुए, और 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन आप लोग को इसमें दे दिया जाएगा। गाड़ी आप लोगों की जो है ना जनवरी फरवरी मार्च तक भी ये आप लोगों को देखने को मिल सकती है, बट पहले अगर हो सकता है क्रेटा आए फिर उसके बाद अल्काज़ार आएगी, ठीक है, तो आप लोग देख लेना। यहाँ पे नेक्स्ट गाड़ी जो इनकी आने वाली है वो है एक्स्टर ईवी। एक्स्टर को भी आप जो है ना इलेक्ट्रिक वर्जन में ये लोग लॉन्च करने की तैयारी में है, बट कब तक आएगी वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, जो सेम आप लोग को एक्स्टर में जो फीचर्स आप लोग को दिए जाते हैं मेजर वो है 6 एयरबैग्स आप लोग को स्टैंडर्ड, 3 सीट बेल्ट और इमरजेंसी स्टॉप लाइट्स वगैरह वगैरह, डैश कैमरा वगैरह आप लोग को दिया जाता है इसके अंदर। उसके बाद आप लोग को जो बैटरी पैक इसमें दिया जाएगा वो 40 किलो वाट आर की बैटरी पैक दी जाएगी, जो कि 300 से लेके 350 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर जाएगा। और जो इसके अंदर जो आती है जो नॉर्मल वाली एक्स्ट्रा आती है ना वो आप लोगों को पता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि 83 ब्रेक हॉर्स पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो फीचर्स के मामले में तो आप लोग को सेम एक्स्ट्रा वाले फीचर मिलेंगे, बाकी ईवी जब आएगी तो ईवी में जब मतलब कंफर्मेशन जब हो जाएगी ना इसकी, तो और डिटेल जब आ जाएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे। गाड़ी आप लोग को जो है ना बहुत थोड़ी सी लेट डिले हो जाएगा 2024 के लास्ट में या फिर 2025 तक ये गाड़ी आप लोग को देखने को मिल सकती है मार्केट में। नेक्स्ट गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आने वाली है ह्यूंडई की सेंटा फे। तो ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कूल गाड़ी लगती है मुझे, तो देखने में बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगती है। एक्स्टर वाले ही डिज़ाइन थोड़ा बहुत आप लोग को इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रंट आप लोग को हेडलाइट जो है ना वो एक्स्टर एच वाला देखने को मिलता है। ये एक 5 सीटर मतलब SUV होने वाली तगड़ी वाली, जिसका जो प्राइस होगा वो 14 से 20 लाख रुपये तक भी रखा जा सकता है। इसके इंटीरियर के जो डिज़ाइन है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक आप लोग को मिल जाएंगे, और यूनिक जो है ना इसके लाइटिंग सेटअप आप लोग को मिल रहे होंगे, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आप लोग को मिल जाएगा, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन CVT और ECVT गेयरबॉक्स के साथ पेयर होगा। जो फीचर्स होंगे आप लोग को टोटल सारे फीचर्स इसके अंदर दिए जाएंगे, वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर किए जाएंगे, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप लोग को मिल जाएगा। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसमें आप लोग को जो है ना एडास का भी फीचर देखने को मिल सकता है। गाड़ी जो है ना आप लोगों को जनवरी फरवरी 2024 तक ये मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आ रही है इनकी, तो वो है ह्यूंडई की पैलिसेड। ये भी जो है ना नाम से आप लोग सोच सकते हैं, नाम काफ़ी ज़्यादा कूल सा इसका लग रहा है। ये एक 7 सीटर लेआउट के साथ आने वाली गाड़ी होगी, जिसकी जो प्राइसिंग होगी वो 35 से 40 लाख रुपए होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं डायरेक्ट जो राइवल है वो है इसकी टोयोटा की फॉर्च्यूनर। तो लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक्स आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इसकी जो लुक्स है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन आप लोग को मिल जाएगा इसमें, जो कि 195 BHP की पावर जनरेट करेगा, जो पेयर होगा मैनुअल CVT DCT IMT के साथ आप लोग का पेयर होगा गेयरबॉक्स के साथ। प्रीमियम इसके इंटीरियर होने वाले बहुत ही ज़्यादा, और कैबिन के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और कंफर्टेबल आप लोगों को फील होगा इसमें, और सारे फीचर्स अप टू डेट मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर। बात कर लेते हैं ये दिसंबर 2023 में जो है ना कंफर्मेशन इसकी आ जाएगी, गाड़ी कब आप लोग की लॉन्च होगी उस वक्त हम बात करेंगे इसमें। लास्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आने वाली है ह्यूंडई की स्टारगेजर। ये भी जो है ना 7 सीटर लेआउट के साथ आने वाली खतरनाक सी गाड़ी आप लोग को मिलेगी। स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। आप लोग की जो इसकी प्राइसिंग रखी जाएगी वो 12 से लेकर 17 लाख रुपए तक हो सकती है। इसकी जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा एरोडायनामिक्स डिज़ाइन दिए जाएंगे, जिसकी वजह से जो है ना इसमें विंड ब्लास्ट काफ़ी कम होने की वजह से आप लोग को जो है ना प्रोवाइड होगी इसकी अच्छी माइलेज। डिज़ाइन भी इसके काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहे हैं, कनेक्टेड LED DRLs आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे। सेफ्टी को देखते हुए एडास का सिस्टम भी दिया जाएगा, फ्रंट पार्किंग कैमरा आप लोग को मिल जाएगा इसके अंदर विद रडार सेंसर के साथ। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा, जो कि 130 BHP के पावर जनरेट करेगा, और साथ में ये आपको पेयर होगा मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। गाड़ी आप लोगों की इसकी कंफर्मेशन दिसंबर 2023 के ही अंदर आप लोग को मिल जाएगी। तो भाई शुरू की जो 2-4 गाड़ियां आप लोगों को मैंने बताई वो तो कंफर्म है बिल्कुल, जो गाड़ी आने ही वाली है, बाकी की 2-4 जो गाड़ियां लास्ट में आप लोगों को बताई है उसकी कंफर्मेशन जो है ना धीरे धीरे आएगी। जो भी डिटेल्स होंगे उस टाइम हम लोग जरूर से इसके बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो कैसे लगी एक लाइक कर देना यार, और बता देना कमेंट बॉक्स में जाके अगर कोई भी गाड़ी के बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं उस पर भी बन जाएगी, तो आप लोगों ने कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। चैनल पे नए तो जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे आते रहती है। मैं मिलूँगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, आप लोग रखना अपना ध्यान। वीडियो देखने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ रहे। जय हिंद।